बात करेंगे ओलंपिक के डबल ओलंपिक मेडल जीतने वाले शूटर मनु भाकर के स्वदेश लौटने पर जबरदस्त स्वागत हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनके चाहने वाले उमड़ पड़े, कुछ इस तरह से उनका स्वागत हुआ है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और मनु भाकर ने शूटिंग में दो दो मेडल जीत का इतिहास रचा, क्योंकि एक ही ओलंपिक में दो दो मेडल उन्होंने हासिल किए। ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता, वो तीसरे मेडल जीतने के भी बहुत नजदीक पहुंच गए थे लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन दो मेडल लेकर वो लौटे हैं, पहला मेडल भी खाता भी उन्होंने खुलवाया और उसके बाद से एक और मेडल भी उन्होंने जीता। शाजिया अब्बास हमारी संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ गए जो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। शाजिया, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्लीज दर्शकों को भी दिखाएं, कैसा स्वागत हो रहा है इस समय? बिल्कुल राजीव, शानदार तरीके से फूलों के साथ, अब मालाओं के साथ मनु भाकर का स्वागत हुआ। उनके साथ उनके कोच जसपाल राणा भी मौजूद थे और ओपन कार में गए हैं यहाँ से, और 2 बजे के आसपास जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मनु भाकर की मुलाकात होगी, जहाँ पर सिर्फ मनु भाकर नहीं स्वप्निल कुशवाहा भी साथ होंगे। लेकिन बहुत खुश नजर आ रही थी मनु घर वापस आकर, और ये चीज उन्होंने पेरिस में भी कही थी कि घर का खाना बहुत ज्यादा वो मिस कर रही है। और उनके माता पिता से हमने बात की थी और उन्होंने कहा था, उनके फादर ने कहा था घर में चूरमा रेडी है, जिसको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। उनकी माता जी से हमने बात की और माता जी ने ये बहुत चीज कही थी कि घर जाके सबसे पहले गर्मा गर्म आलू के पराठे, जो कि मनु ने पेरिस में बहुत ज्यादा मिस किए थे, वो खाने वाली है। बिल्कुल शाजिया, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो